अगर आप क्यू से नहीं जाना चाहते तो आपको 300 पे करना होगा। भाई लोग फिर से आ गया मैं। बहुत गंदी गर्मी पड़ रही है, बुरी हालत हो रखी है, यही नहीं समझ में आ रहा क्या पहने क्या उतारे। भाई थोड़ी बहुत हवा चल रही है लेकिन इतनी ह्यूमिडिटी हो चुकी है ना, और ये पानी की आवाज़ सुन रहे हो ना आप लोग पीछे से, ये इसी की वजह से बस थोड़ा सा यहाँ पे खड़ा हुआ जा रहा है। अगर ये ना होना तो भाई यहाँ पे खड़े होने का कोई मतलब ही नहीं है। और मेरे बिल्कुल पीछे देखो आप, आपको वहाँ पे फेरी दिख रही होगी, हम लोग भी अभी उस फेरी में जाएंगे। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से जाना है हमें, यहाँ से ये लोग देख रहे हो ना सारे लोग जा रहे हैं, हम लोगों को भी अभी यहीं से जाना है, वहाँ से देन फेरी लेनी है, देन उसके बाद हम लोग भी ऐसे फेरी में बैठ के तिरुवल्लुवर के स्टैचू पे जाएंगे। वो देखो वो सामने वो है विवेकानंद मेमोरियल और ये है तिरुवल्लुवर के स्टैचू। हम ये बिल्कुल पानी के बीचों बीच है, यहाँ पे जाने के एक रास्ता सिर्फ फेरी ही है, फेरी के थ्रू ही हम लोग जा सकते हैं। देन उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे भाई त्रिवेणी महासंगम। वो देखो वो तीन ओशन का वाटर मिलता है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन ओशन एंड इंडियन ओशन, ये तीनों मिलके भाई वहाँ पे इनका वो संगम बनता है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा, हवा ना हो तो बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा सकता है यहाँ पे। पानी तो भाई दबा के पीना पड़ेगा, ग्लूकोन डी भी पीना पड़ेगा। ये इसलिए पहन रखा है शेड्स क्योंकि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को अभी, बस ठीक है चल रहा है काम, अभी चलते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये त्रिवल्लुवर के स्टैचू है। अभी हम बहुत दूर खड़े हैं तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा वीडियो हिल रही है तो प्लीज़ मैनेज करना। ये देखो बहुत ही बड़ा स्टैचू है, ये बिल्कुल समुद्र के बीच में बना हुआ है, ये विवेकानंद मेमोरियल बना हुआ है, विवेकानंद मेमोरियल बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है भाई, ये भी बिल्कुल पानी के बीच में है। यहाँ जाने के लिए हमें फेरी का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखो पानी की आवाज़ आप सुन सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये देखो ये रास्ता है फेरी में जाने के लिए, ये सब लोग अभी वहाँ से घूम के आ रहे हैं। ये खड़ी फेरी ये यहाँ से आपको लेकर जाएगी इस पानी के रास्ते वहाँ तक। ये देखिए कितना ही दूर है ये, मैं आपको संगम दिखाता हूँ, कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा बट रियलिटी में बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम साफ पता चल रहा है। देखो उधर वाला जो पानी है वो एकदम डार्क ग्रीन कलर का है, और जो इधर वाला है शायद आप वीडियो में देख पा रहे हैं इधर वाला थोड़ा सा सैंडी कलर का है। हम लोग भी बस चलते हैं फिर आपको दिखाएंगे वहाँ फेरी में बैठने के बाद। One hour later. भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हम यहाँ पे रास्ते में जो रेस्टोरेंट है उस पर रुक गए और हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना। गाइस जो बोट सर्विस है ना वहाँ तक जाने की, जो मैंने आपको टापू दिखाए थे वो यहाँ से है, फेरी सर्विस है वो यहाँ से एंटर करोगे आप लोग। सामने देख लो समुंद्र, भाई टिकट ले ली है हम लोगों ने, अब हम फेरी राइड में जा रहे हैं। 75 रुपीज़ लगे हैं पर हेड, अगर आप क्यू से नहीं जाना चाहते
तो आपको 300 पे करना होगा, उससे आप डायरेक्टली जा सकते हैं सीधा फेरी में। और अभी हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग तो स्पेशल तो नहीं गए, 300 देके हम 75 की टिकट लेके आए क्योंकि खाली था। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो पूरा खाली पड़ा हुआ, बस हम ही लोग हैं। भाई बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट लिया, अब हम लोग जा रहे हैं फेरी में, उसके बाद आगे जाके आपको दिखाएंगे कैसा क्या। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, मेरी हालत देख के आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो moments later। तो अभी हम इसमें से आ चुके हैं फेरी में से, यहाँ पर उस पार से इधर आइलैंड पर, और ये इतने बड़े त्रिविल्वर के स्टैचू, और ये देखो भाई बीच समंदर में जब आपको अपने धर्म का झंडा दिखाई देता तो कितना अच्छा लगता है। अभी हम विवेकानंद मेमोरियल पे आए हैं, अब यहाँ से ऊपर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। गर्मी उधर बहुत लग रही थी बट यहाँ पर नहीं लग रही है। यहाँ से ये टिकट का बना रखा है, ये देखो अगर दर्शन करने पर हेड तो 30 रुपीज़ लेडीज़ के जेंट्स के सेम है, 30 रुपीज़ पर हेड। ये क्यू है पूरी आने की, आप ऊपर जाओगे आपको ये एंट्रेंस दे रखा है, यहाँ से आपको आना है। अब चल रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, अब सेटिस्फेक्शन से मिल रही है और पैसा वसूल। चलो भाई, यहाँ पर आप अपने जूते जमा करा सकते हैं, शूज वगैरह अपने सबमिट करा सकते हैं। वहाँ पे देखो पूरी लाइन से कितनी सारी विंड मिल लगी हुई है। विंड मिल मैं इसमें कैप्चर करता हूँ, अगर दिखे प्लीज। मछली देखो लाइन से सारी लग रही है। हम आ चुके हैं इसके ऊपर, ये देखो ये रहा उनका मेमोरियल जिसकी हमने टिकट लिया 30 रुपीज़ की। इसके अंदर भी जाएंगे, पूरा आइलैंड है ये, छोटा सा आइलैंड है बट है बड़ा, बहुत अच्छा है। इसके अंदर ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का पूरा स्टैचू है, बहुत बड़े वाला आपको दिख रहा हो तो। गाइज ये जो बड़े वाला मंदिर है ना, बड़े वाले मंदिर के पीछे यहाँ पर सनराइज का लैंडर है एक,
आप देख लो, दिख रहा हो तो यहाँ पे बड़े वाले मंदिर के पीछे सनराइज कैलेंडर, और यहाँ पे पूरा सी। अब आपको दिख रहा है डिफरेंट कलर का पानी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मिल रहे हैं समुद्र तीन, इसलिए डिफरेंट कलर का पानी देख रहे हो। जहाँ वहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ वहाँ तक समुद्र है। इंडिया का लास्ट पॉइंट है ये। ये देखो ये पैरों के निशान है उभरे हुए। ये पार्वती जी का भी एक ना रूप था, जो माता ने जो यहाँ पे तपस्या करी थी शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो ये माता एक पैर पे उन्होंने तपस्या की थी, उनके एक पैर के देखो उभरा हुआ पत्थर पे रूप है। यहाँ पे एक छोटा सा कंपास बना हुआ है, देख लो आप डायरेक्शन का। तो अभी भाई मैं आया हूँ विवेकानंद मेमोरियल पे, प्रॉपर मेमोरियल पे। ये 130 फीट बड़ा है, और ये मतलब ये तिरुवल्लुवर का स्टैचू और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बीच में है ना, अराउंड 500 मीटर का डिस्टेंस है। तो जो माना जाता है, मतलब ऐसा बताया जाता है कि जो वो थे ना स्वामी विवेकानंद थे, वो कन्याकुमारी के कॉर्नर से मतलब सी शोर से यहाँ पे इस आइलैंड पे वो तैर के आए थे, खुद समुद्र के बीच में वो खुद तैर के आए थे, जहाँ पे आज मतलब बोट में भी आने में बहुत डर लगता है। तो उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे 3 दिन और 4 रातों तक उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। तो उनका ये मानना था कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो यहाँ पर तपस्या करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे एकदम ध्यान लगाया, मेडिटेशन करी, तपस्या करी, तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसलिए इसका नाम विवेकानंद रॉक मेमोरियल रखा गया। और ये यहाँ पे ये बनाया गया था 1970 में, 2 सितंबर 1970 में, जिसका इनॉग्रेशन किया था प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने। ये बनाया गया था विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी के 101वें जन्मदिन के उस पे, तो तब इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और मतलब बहुत अच्छी जगह है, आप आओगे और यहाँ पे ना आपको बहुत ही पीस मिलेगा, इतना मतलब अच्छी हवा, मतलब बहुत शांति वाला है, अच्छा है यहाँ पे। मैं आपको ना थोड़ा सा इसका लुत्फ देता हूँ, देखो ये ऊपर है मंदिर का स्वामी विवेकानंद का, ये पूरा आइलैंड है, ये देखो वहाँ से वहाँ तक, और ये पीछे भाई पूरा ये त्रिवेणी संगम पूरा का पूरा है। ये तिरुवल्लुवर का स्टैचू है, और सामने आपको अगर दिख रहा है उसमें घाट बनाया हुआ है जहाँ पे पहुंचती है पूरा कन्याकुमारी, बट छोटा है कन्याकुमारी, इतना बड़ा भी नहीं है, बट बहुत डिसेंट है। पैसों से रिलेटेड कि कितना खर्चा आ जाता है, कैसा है, और मतलब बजट में है या नहीं है, तो हम लोगों ने सारी चीज़ें प्लान करके उस वे में यहाँ पे आप ट्रेन से आओ, जरूरी नहीं है कि आप वाया फ्लाइट ही आओ, ट्रेन से आ सकते हो, तो आपके बजट में आएगा। हम लोग भी ट्रेन से आए हैं, बहुत अच्छा था सफ़र, बहुत अच्छा था, ट्रेन बहुत अच्छी थी, यहाँ के लोग अच्छे हैं। ये सनातनी झंडा ओम का बहुत कम देखने को मिलता है ऐसी जगहों पे। हम लोग बस निकलते हैं यहाँ से तिरुवल्लुवर के स्टैचू के लिए, बहुत रेस्ट हो गया, चलते हैं, पहुँचते हैं, बताते हैं।